ये क्या किया आपने मुंबई श्री? सब्र मिलसा सब्र। लेकिन उसकी जान जा सकती है। ये रहा अमृत कुंड। इस कुएं में ही तुम्हें तुम्हारी जान बचाने वाला अमृत मिलेगा। जाओ रे जाओ, अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ही हाथों में। क्या मुझे वो फल दे सकती है? इस बार तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी ताकत और अक्ल है खुद को बचाने के लिए। I'm choking, Mr. B. प्लीज मुझे नीचे ले चलिए, प्लीज मुझे नीचे ले चलिए मिस्टर बी। मैंने कहा ना रे, इस बार तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अपने हाथों में है, इसलिए वक्त बर्बाद मत करो, जाओ। जाओ रे। अब रे की ताकत का अंदाजा होगा, देखते हैं कि बचकर आ पाता भी है या नहीं। बालवीर, तुम हमें धरती लोक पे मिले थे और तुम्हें उठाने एक विकराल गिद्ध आया था, लेकिन वो तुम तक पहुंचे इससे पहले ही रानी परी ने उसे खत्म कर दिया था। और फिर आप मुझे परीलोक लेकर आए, वहां पर मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और सही समय आने पर मुझे बालवीर की शक्तियां भी दे दी। माँ, ये सब मैं जानता हूँ, लेकिन आज मुझे किसी और सवाल का जवाब चाहिए। क्या जानना है बालवीर? 20 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था? आपने अपनी 20 साल की मेहनत एक झटके में दाव पे क्यों लगा दी बमबालश्री? बड़ा दाव खेलने के लिए बड़ा जिगर होना चाहिए, और वो बमबाल के पास है। रे के पास तो उन जानवरों को रोकने का फल भी नहीं है, वो कुएं के जानवर उसे रोककर मार भी सकते हैं। बताइए ना माँ, 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? इतने सालों के बाद आखिर बालवीर के दिल में इतने मुश्किल सवाल क्यों उठ रहे हैं? माँ, क्या हुआ? अब ऐसे चुप क्यों है? बताइए ना, 20 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था? मेरी जिंदगी की पूरी कहानी क्या है? मेरे असली माता पिता कौन है? बालवीर, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? माँ, आप मेरी माँ हैं, लेकिन लेकिन फिर इतने सारे सवाल क्यों? इतनी पुरानी बातें आप क्यों पूछ रहे हो? माँ, जब तक मैं अपने अतीत के बारे में नहीं जान लूंगा, मैं भविष्य के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? इसलिए मेरे लिए सब जानना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा असली अतीत क्या है, मेरे असली माँ बाप कौन है? माँ बताइए ना। बालवीर, तुम्हारे इन सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकती, ये वीरलोक के नियमों के खिलाफ है, इसकी अनुमति नहीं है मेरे पास। क्यों माँ, क्यों? मुझे अगर अपने अतीत के बारे में पता चल जाएगा तो कौन सा नियम टूट जाएगा? क्या ये नियम शौर्य ने बनाया है? उन्होंने आपको मना किया मुझे सच बताने से, है ना?
मैंने ही मना किया है बालपरी को। लेकिन क्यों शौर्य, ना ही आप मुझे मेरे अतीत के बारे में कुछ बता रहे हैं और ना ही माँ कुछ बोल पा रही है, ऐसा क्यों? बेहतर यही होगा बालवीर कि अब तुम भी चुप हो जाओ और इस बारे में सवाल पूछना बंद करो। जानवर रे को जिंदा चपा जाएंगे बम्बालश्री, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। से चुना ठीक नहीं होगा। अब मैं अमृत जल तक कैसे पहुंचूंगा? बालवीर, बालवीर ये क्या मुरझाए फूल की तरह खड़े हो? अरे अभी तो बालपरी ठीक हो गई है, चला चला धरती लोक की तरफ, डांस करते हैं, पार्टी करते हैं, चलो। अच्छा पार्टी वाली नहीं करते, एक काम करते, फील्ड में शांति से सैर करने चलते, तुम्हें अच्छा लगता है ना? डुबा डुबा तुम जाओ यहाँ से, मेरा मन नहीं है। शौर्य, हम बालवीर के मन में उठे सवालों को क्यों मर्यादा और नियमों के बोझ तले नहीं दबा सकते? लेकिन बालपरी, अगर हमने बालवीर को उसके सवालों का सच्चा जवाब दिया तो सोचो उसका दिल कितना टूटेगा। लेकिन हम क्या करें शौर्य? बालवीर के चेहरे पर भले ही ये बात ना झलक रही हो, लेकिन उसे इस तरह से दबाव की उलझन में फंसा देख कर मुझे बहुत दुख हो रहा है। उसे थोड़ा समय दो बालपरी, बालवीर खुद को संभालना जानता है, मुझे उम्मीद है इस बार भी वो खुद को संभाल लेगा।
मुझे समझ नहीं आ रहा है बंबाल श्री, ये किस तरीके का इम्तिहान ले रहे हैं आप रेखा? वो खतरनाक जानवर छूते ही दुगने हो जाएंगे, मुझे कम से कम उसे ये फल। डूबने का जोखिम लिए बिना कोई तैरना नहीं सीख सकता मिलसा। मैं ये परखना चाहता हूँ कि मैं अपने सपनों के महल को जिस नींव पर खड़ा करना चाहता हूँ वो नींव कितनी मजबूत है। इसलिए सब्र मिलसा, सब्र। अभी अभी कहीं बहुत ही घातक और बुरी शक्ति ने अपने जादू का प्रयोग किया है। लेकिन तिमनासा तो ये कोई नई और अद्भुत बुराई है। इसके बारे में मुझे पहले भी एहसास हो चुका है, लेकिन इस बार उस शक्ति की चमक पिछली बार से कई गुना बढ़ चुकी है। तो हमें जल्द से जल्द बालवीर को इस बारे में बता देना चाहिए। मैं पहले भी बालवीर को इस शक्ति के बारे में सावधान कर चुका हूँ बालपरी। अब इस संसार को फिर से बालवीर की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे में हम उसे अतीत के दलदल में नहीं फंसने दे सकते हैं। हाँ शौर्य, लेकिन उसके मन में जो सवालों का घमासान बचा हुआ है वो खुद को उससे कैसे निकाल पाएगा? बालवीर को अपने रास्ते पर वापस लाने का एक ही तरीका है। गया ये रे। अब वैसे विवान, मुझे नहीं पता था कि रे को मेडिकल रिसर्च में भी इतना इंटरेस्ट है। कितनी लेयर्स है ना उसकी पर्सनालिटी में। राइट दीदी, इतने लेयर तो प्याज के छिलके में भी नहीं होते। हम कितनी देर से वेट कर रहे हैं उसका, क्या कर रहा है वो अंदर? एक दिन में रिसर्च करके कहीं उसका नोबेल प्राइज जीतने का तो इरादा नहीं है? अब बट थिंग दीदी, दोस्त ने तिमनासा तक की बैंड बजा दी थी तो वो एक दिन में नोबेल प्राइज तो जीत ही सकता है ना, व्हाई नॉट। और वैसे आप मेरे के लिए इतना एंथुसियास्टिक क्यों हो रही है? हाय। हाय।
दीदी वहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रही है, किससे बात कर रही है? मैं तो उसकी स्वीट स्वीट बातें सुन रही हूँ विवान। लेकिन मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। आप किसकी स्वीट स्वीट बातें सुन रही हैं? इसकी। लगता है ये चिंटू मुझसे ड्रोन वाले इंसिडेंट का हिसाब बराबर करने के चक्कर में है। दीदी तो डे ड्रीमिंग कर रही है, तब तक मैं चिंटू का रिवेंज का ड्रीम तोड़ कर आता हूँ। दीदी जब दोस्त आ जाए ना तो मुझे कॉल कर देना, ओके? यही पे तो खड़ा है वो मेरी आंखों के सामने, सो डैशिंग, सो हैंडसम रे। ये चंडू कौन सा जाल बिछा रहा है, अब पता करना होगा। यस, तूने मुझे ड्रोन पर लटकाया था ना विवान, अब तू देखना मैं तेरे साथ वही करूंगा। टिट फॉर टैट, अब जैसे ही तेरा पैर इस तेल पर पड़ेगा वैसे ही तू स्लिप होकर और सीधा जाएगा मीटर बॉक्स की खुली तार की तरफ, फिर बूम, और फिर तुझे लगेगा चिंटू की तरफ से जोर का झटका। विवान कहाँ गया? हाय चिंटू। ये ऊंट पहाड़ क्रॉस करके यहाँ कैसे आ गया? वो चिंटू क्या है ना कि मेरे जो जूते हैं ना वो अमेरिका से आए हैं, एंटी स्किड जूते। अब चाहे तुम ऑयली क्यों, तेल का पूरा फील्ड ही खोल लो, मेरा पैर नहीं फिसलेगा, समझे? बड़े आए इंपोर्टेड सामान यूज करने वाले, भारत नगर में ना सिर्फ मिश्रा फैमिली इंपोर्टेड सामान यूज करती है। अरे अरे चिंटू संभल के, कहीं तुम फॉरेन एक्सपोर्ट ना हो जाओ। देखते हैं कौन एक्सपोर्ट होता है। चंडू अगर इलेक्ट्रिक पोल से टकराया तो लूचा हो जाएगा, क्या करूं? अब तो जूता फेंककर ही मारना पड़ेगा। जूता फेंक ड्रामा फुल, बिजली हो जाए गुल। मैं अपने जाल में खुद ही फंस गया। विवान, जूता पैरों में पहनने की चीज होती है, मीटर बॉक्स क्यों मार रहे? अरे वो क्या है? वो पता नहीं था, तुम्हारी वजह से सारी भारत नगर की बत्ती गुल हो गई। ए चिंटू तो ठीक है ना? अरे गड़बड़ी, अरे अरे संभल के। मैं ठीक हूँ, किसने डाला ये सब? तूने डाला? नहीं मुझे पता नहीं है किसने डाला। बहुत खूब रे, बहुत खूब।
Now I get it, Mr. B. कि आपने मुझे इस मौत के कुएं में क्यों पुश किया? क्योंकि आप चाहते थे कि मैं खुद को पुश करूं और अपने पूरे पोटेंशियल पर आ सकूं। Cry और pray नहीं छोड़ेगा रे। जुगनू को अंधेरे में ही पता चलता है कि उसके अंदर कितनी चमक है। वाह बंबाल श्री वाह। वैसे मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं कुछ पल के लिए मैं घबरा गई थी। जब तक बच्चे की उंगली न छोड़ी जाए तब तक वो खुद अपने पैरों पर चलना नहीं सीखता मिलसा। रे और क्या पता चला तुम्हें अपने बारे में? यही मिस्टर बी की मुझ में हवा को कंट्रोल करने की पावर्स है। ये तो एक छोटा सा नमूना है, तुम्हारे अंदर ऐसी और भी कई ताकतें छुपी हुई हैं रे। That's awesome. मिस्टर बी बताइए ना और मुझ में कौन कौन सी पावर्स है। क्या मैं वेब शूट कर सकता हूँ या फिर सुपर स्पीड बूम या फिर लेजर आईज? ये तो राजमहल के सिपाही हैं जो यहां गश्त लगा रहे हैं, हमें यहां से जल्दी चलना चाहिए। क्या बात है शौर्य, आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? ये जगह तो तुम्हें याद है ना बालवीर कि एक नई तरह की बुरी शक्ति के बारे में मैंने तुम्हें सावधान किया था। आज मुझे उसी बुरी शक्ति की बढ़ी हुई ऊर्जा का एहसास हुआ है, इसलिए अब कमर कसने का समय आ गया है बालवीर। शौर्य, अपने बालवीर होने का फर्ज मैं हमेशा निभाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने मुझे इस जगह पर क्यों बुलाया? क्योंकि यहां मैं तुम्हें अखंड शपथ दिलाना चाहता हूं। और वीरलोक के नियम के अनुसार अगर एक बार तुमने यह शपथ ले ली तो तुम उसे किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ सकते। अभी तुमने कहा कि बालवीर का धर्म पूरा करने से तुम पीछे नहीं हटोगे, लेकिन क्या आप तुम्हारे मन में कोई संदेह पैदा नहीं हो रहा बालवीर? शौर्य, अपने बालवीर होने की जिम्मेदारी से मैं पीछे नहीं हटूंगा। अखंड शपथ लेने के लिए मैं तैयार हूं।